नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फिगर दैट इज कोन. हम क्या स्टडी करने वाले हैं? कोन. कोन वैसे देखा जाए तो आपके 8th ग्रेड के सिलेबस में नहीं है. कोन इज नॉट देयर इन 8th ग्रेड, बट स्टिल आई विल बी टीचिंग यू, स्टिल विल बी स्टडीइंग इट. तो सबसे पहले कोन बनता कैसे, कोन बनाने के लिए कोन बनाया कैसे जाता है, किसी को कोई आइडिया है कोन कैसे बनता है? सर, एक सर्कल और एक सेमी सर्कल से बनता है. एक सर्कल से और एक सेमी सर्कल से. मान लो एक सर्कल आपको दे दिया गया और एक सेमी सर्कल आपको दे दिया गया, अब इसमें से आप कोन कैसे बनाओगे? सर, वैसे फोल्ड करते तो कभी बन जाए. सर्कल का क्या काम होगा, ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा? सर, नीचे के बेस पे, वो बेस रहता है नीचे. बिल्कुल ठीक है, ये सही बताया आपने. सेमी सर्कल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप? सर, सेमी सर्कल का नहीं यूज है क्योंकि फिर नीचे उसका वो नहीं हो पाएगा. थोड़ा बहुत आपने सही बताया लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी गलत, थोड़ी गलती हो रही है, थोड़ी सी गलती हो रही है. और कोई कैसे कोन बनाया जाता है? तो चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कोन बनता कैसे, ठीक है ना? लेट्स अंडरस्टैंड. एक आपको कोन बनाने के लिए, मान लो आपके पास एक कोन है ऑलरेडी, जब मैं इस कोन को ओपन करूंगा, कट ओपन करूंगा, ठीक है ना? लेट्स से दिस कोन गिवन टू मी. अच्छा, कोई ऐसा है जिसने कोन नहीं देखा है? क्या सर मजाक करते हो आप, ठीक है ना? तो ये कोनिकल फिगर है आपके पास. अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू कट इट डाउन फ्रॉम हियर. ये सरफेस से मैं इसको काट रहा हूं, यहां से हमने कोन को कट करा. तो जब हमने कोन को कट किया होगा तो ये देखो कोन एक होता है ना, जिस ये जो होता है ये वाला, आप ऐसे समझो ये कोन है. कोन का जो ऊपर का सरफेस है, दैट इज द अपर सरफेस ऑफ द कोन, जिससे कोन बना है, ठीक है ना? ये जो है ये कहा जाता है स्लांट हाइट. क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज स्लांट हाइट. ये कहा जाता है स्लांट हाइट. अब जब आप कोन को काटोगे, जब आप कोन को कट करोगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला जो एज था, ये वाला जो प्लेन था जहां से इसको आपने काटा है, ये कट होके ओपन आउट हो जाएगा, पूरी तरीके से खुलेगा, 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 खुल जाएगा. तो ये जब खुलेगा, ये कॉर्नर की जो हम बात करते हैं, ये जो कोन का टिप है, वो टिप तो एक पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है. अब ये जो दो फेसेस इसके ओपन हुए हैं, ये जब ओपन होंगे, यहां से खुलेगा और एक यहां से खुलेगा, और नीचे वाला अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सर्कुलर है. ओके, तो ये जब ओपन होगा तो ये सर्कल ही होगा एक. अब सर की आवाज नहीं आ रही ना मेरे को, ठीक है ना? ये सर्कल, हाँ, देख लिया, अब चली गई सर की आवाज, ठीक है ना? तो ये आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको. समझ आ रहा है? क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? Arc length of the sector. Here this O is the center of the circle. Now let's see how to make a cone from this major sector. What you have to do, look at the, if we have sector like this, and if you pull this two radius, radius number one, radius number two, so that they meet each other. Here, join those two sectors like this. So this will give us a cone. Look here, this is cone. Let me show you again. This is factor. If we join radius number one and radius number two together like this, देखो अगर आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, जो सर्कल का रेडियस है उन दो पॉइंट से जहां से वो कट किया गया है उसको वो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है? और उसको ज्वाइन करने के बाद एक कोन जो कंप्लीट हो रहा है. तो जब आप इसको कट ओपन करेंगे तो जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट किसको बोलते हैं, जो कि कोन की पेरीफेरी है ना, जो पेरीफेरी उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है, उसको स्लांट हाइट बोला जाता है. कोन की हाइट अलग होती है, कोन की स्लांट हाइट अलग होती है, ठीक है ना? जिससे कोन बनता है. मान लो ये एक एक्सिस है और इसके अबाउट आपने घुमाया, तो इसके अबाउट जो चीज घूम रही है वो
वो स्लांट हाइट वाली लेंथ है जो घूम रही है, ठीक है? So this will give us a cone with the shape of the cone now. And in this cone you can see here, this line is the radius of the sector. This radius of the sector become the slant height of the cone. Look here. The radius of the sector has become the slant height. Look, this is slant height. This is L. So this slant height, that is L, that was radius of the sector before. And look here, the second thing, the arc length. This arc length has become, look here, it will become. So this arc length has become the circumference of the base of the cone. Look, this is the circumference of the base of the cone is circle, and now the circumference of this cone, which was, that is 2 pi, no, it is 2 pi r, and before that it was just arc length. This arc length has become the circumference in the cone, and this center, that is center of the circle, that has become the top corner of the cone, that is vertex of the cone. So from this video we understand a cone can be construct, cone can be made from a sector. So in that case, the radius become the slant height, arc length becomes circumference of the cone, and the center of the circle becomes the vertex of the cone. Let me repeat it again. Okay. I think this much is more than enough, right? I think this aapko idea aa gaya hoga main kya batana cha raha tha. Yes, understood. Okay. Is bane thoda acha laga hoga. Yes sir. अभी देखने मिला, entertaining लग रहा होगा ना? Yes sir. अब इधर आ गए, अब हम mathematical चीज पे आ जाते हैं, ठीक है ना? ये जो इन्होंने बताया था, pictorically बताया कि किस चीज के बारे में हम, कोन के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं तो कोन बनता कैसे? अब कोन अगर एक बार बना दिया गया है या कोन अगर हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना है तो कितना सेक्टर सर्कल का काटना पड़ेगा, किस तरीके से मैं कोन बना पाऊंगा? अगर मैं इतना सेक्टर काटता हूँ तो ये कोन की हाइट मेरे पास बचेगी. So we will study that part now. तो मेरे पास ये कोन है, अभी मैंने आपको यही बताया. तो जब ये कोन काट के हमने ओपन करा है, when we have cut that cone and we have opened it up, what we have now is, let's understand. तो जब ये कोन आपने कट कर लिया, तो मैं कोन को एक बार यहाँ पे अच्छे से बना लेता हूँ जिसको हम कट करने वाले हैं और जिसमें से हम सर्कल बनाने वाले हैं. तो ये कोन का कुछ रेडियस होगा, this is the base radius of the cone, और ये कुछ कोन की स्लांट हाइट है, और ये वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला सेंटर ऑफ द बेस सर्कल, बेस सर्कल का जो सेंटर है ये हाइट कहलाती है. तो ये तीन डायमेंशन एक कोन के अगर हमें पता है तो हम कोन के बारे में सब जानकारी दे सकते हैं. नंबर वन. नेक्स्ट, नाउ इफ आई कट दिस कोन ओपन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल जिसको सेक्टर कहा जाता है. आपने सेक्टर भी पढ़ा हुआ है, यस, याद है ना? आप लोगों को सेक्टर भी पढ़ाया था मैंने, सेक्टर ऑफ सर्कल बताया था, याद है? भूल गए सर, याद है? याद है, धन्यवाद, आपको याद है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग. अब देखो तब होगा क्या, ये एक सर्कल है, इसमें से कुछ पार्ट हमें कट करना पड़ेगा तब जाके कोन बन जाएगा. तो मान लो ये पार्ट मैंने कट कर दिया, तो लेफ्ट ओवर पार्ट में से कोन बना है, ठीक है ना? ध्यान रखना, लेफ्ट ओवर जो पार्ट है उसमें से कोन बना है. ये पार्ट में हटा देता हूँ, ये पार्ट नहीं था. अच्छा, अब अगर ये पार्ट नहीं था तो हम किस तरीके से दोनों को रिलेट कर पाएंगे कि भाई ये सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर होता है, आपको सर्कल में सिर्फ रेडियस पता है, और क्या निकाला होगा आपने जो कोन बनाने के लिए, तो आपने कुछ थीटा एंगल इसमें से निकाल दिया होगा. इज इट क्लियर? आपने कुछ थीटा एंगल निकाल दिया. तो अब मैं कैसे इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करूंगा कि भाई ये जो शेडेड पार्ट है इसको फोल्ड करके ही मैंने कोन बनाया है. तो अगर मुझे इसके डायमेंशंस पता है तो
तो क्या मैं कोन के डायमेंशंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसी में से कोन बना है, तो मैं इन दोनों के डायमेंशंस को रिलेट कर रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से समझना, हुआ क्या, फर्स्ट थिंग नंबर वन, जो कोन बना तो कोन ने क्या किया, ये जो सर्कल का सर्कमफेरेंस था उसी को ये बनाने में यूटिलाइज कर लिया। क्या ये आपको पता चला, वीडियो आपने देखा उससे? यस सर। चलिए, मतलब आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखी है। तो अगर मैं इसके सर्कमफेरेंस की बात करूं तो वो तो 2πr हो जाएगा, बेस का सर्कमफेरेंस 2πr होगा। अब यही सर्कल का पार्ट था, तो क्या आप सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वेरिएशन से निकालते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से। अगर 360 डिग्री सर्कल का एंगल होता है पूरा, तो उसका सर्कल तो कितना था हमारे पास, थीटा। 360 डिग्री था तो पूरा जो आर्क लेंथ था वो 2πr था। ओके, तो अगर मेरे पास मान लो ये एंगल जो है, ये एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो कितना रहा होगा? तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? यस सर। आर आप भूलना मत, ये वाला आर मैंने गलत लिख दिया, ये छोटा आर नहीं होगा, सर्कल का बड़ा आर होगा, बड़ा आर होगा, है ना? क्या आप समझ पा रहे हो? लेट्स सी, एक्स है, तो क्या मैं एक्स निकाल सकता हूँ? यहाँ से क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा इन डिग्रीज इनटू 2πr अपॉन 360 डिग्रीज, कैन आई से दैट? यस सर। और ये वैल्यू किसके बराबर है, कोन के बेस के सर्कमफेरेंस के बराबर, 2πr के बराबर है। यस यस, समझ आ रहा है आपको? तो कंपैरिजन वन इज बीन डन बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ लेट्स डू द सेकंड कंपैरिजन। सेकंड और चीज आप क्या बोल सकते हो, सेकंड चीज आप ये बोल सकते हो कि जो इसका स्लांट हाइट होता है कोन का, वो सर्कल के रेडियस के बराबर होता है। मैं दूसरा कंपैरिजन भी कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो, ये जो स्लांट हाइट है यही इसके बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यही जो सरफेस है जिससे कोन बना है, आपको पता है वीडियो में आपने देखा इन दोनों एंड्स को वो जॉइन कर रहा था। यस सर। तो ये जो सर्कमफेरेंस है, हाँ, ये जो स्लांट हाइट है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो दूसरा कंपैरिजन हो गया कि कैपिटल आर इज माय स्लांट हाइट। इज इट क्लियर? यस, समझ आ गया आपको? यस। बस अब खत्म हो गया सारा चीज। अब मुझे एक चीज और बताओ आप, अगर मुझे ये कोन है ना, देखो ये कोन है, तो मुझे अभी क्या क्या निकालना पड़ सकता है? थर्ड थिंग, ये तो रिलेशन हमने कर लिया, दीज आर द टू रिलेशंस व्हिच आर देयर इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब मैं आपको कुछ टास्क देके जा रहा हूँ जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस थिंग्स यू आर सपोज टू फाइंड इट आउट, क्या क्या आपको निकालना है, बहुत ध्यान से समझना। कोन के बारे में हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था? 2πr into h। यस यस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब समझ रहे हो आप? कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे और जो नीचे वाले बेस है उसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी सेम एज सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या हो जाएगा? सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या हो जाएगा? सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया। क्यों बेटा? क्योंकि इस ही एरिया से तो कोन बनाया आपने, ये एरिया को यूज करके ही तो कोन बनाया ना। यस और नो? सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही थी 5 मिनट। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? नाजरा देखो, हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का मतलब क्या है, कितनी सरफेस एरिया होगी इसकी, आपको वो बताना है। मतलब कितना मटेरियल यूज किया गया होगा एक कोन बनाने के लिए। देखो, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, हाउ मच मटेरियल, मच मटेरियल वुड बी यूज्ड टू मेक कोन, हाउ मच मटेरियल वुड बी यूज्ड टू मेक कोन। इज इट क्लियर? तो कितना मटेरियल यूज होगा कोन बनाने के लिए, तो हमने क्या कर लिया, कोन का मटेरियल निकालने से बेटर है, हमने क्या बोला, भाई तुम तो सर्कल में से बने हुए हो, तो हम सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सो आई विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड दैट वुड बी द सीएसए ऑफ द कोन। ठीक है,
तो ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा, एंजॉय. सर हमको फॉर्मूला निकाल के लाना है. यस, आपको बताना है फॉर्मूला क्या होगा. यस सर. इज इट क्लियर? जैसे सिलेंडर का मैंने आपको बताया था, याद है सिलेंडर का हमने कैसे निकाला? सिलेंडर को काटा तो वो रेक्टेंगल की तरह खुल गया. बेस 2πr था, हाइट h था, तो 2πrh बन गया, है ना? वैसे ही हर जो हमने मैंने आपको बताया था, हर प्रिज्म के केसेस में ऐसा ही होता है. प्रिज्म जब काट के ओपन करते हैं तो रेक्टेंगुलर साइड्स निकलती है, अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है. अगर आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है तो ट्राइंगल वाली साइड सारी की सारी ओपन हो जाएगी रेक्टेंगल में. यस, नीचे का जो ट्राइंगल खुलेगा, याद है ना आपको? यस देखो याद, अगर आपको नहीं है तो एक बार आप नोट देख लेना. मैंने आपको इसको ओपन करके दिखाया था, दिख रहा है? ये ओपन किया हुआ सरफेस है पूरा. यस सर, याद है पूरा का पूरा, ठीक है ना? और फिर मैंने इसका आपको एरिया निकाल के दिया था. तो इसका CSA क्या था? 2πrh था. आपको CSA निकालना है कल की क्लास के लिए, ठीक है? अच्छा यस, एक और चीज, TSA क्या हो जाएगा कोन का? CSA प्लस टोटल सरफेस एरिया. यस, क्योंकि TSA तो आप निकाल लोगे, अगर आप CSA निकाल लोगे, CSA प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर. यस, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम CSA से शुरू करेंगे, ठीक है? यस सर. बाय बेटा, टेक केयर.